मोदी सरकार द्वारा धारा 370 कश्मीर से हटाते ही नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई और नगर वासियों भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और धार महू लोकसभा सांसद को फूलों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा धारा 370 कश्मीर से हटाए जाने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से धार महू लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के सांसद छत्र सिंह दरबार के साथ उनके समर्थक खुश दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद छत्र सिंह दरबार ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटाने का जो निर्णय लिया गया है, उसका पूरा भारत देश में भारतवासी स्वागत कर रहे हैं। भारत के सपूत नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आज धारा 370 हटाकर हमारे पूर्वजों के मन की भावनाओं और उनके सपनों को साकार किया है और नरेंद्र मोदी सरकार का यह निर्णय आज स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस सरकार ने आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए धारा 370 लागू करी थी, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाकर भारत देश के अभिन्न अंग कश्मीर को सुरक्षित किया है। इसका स्वागत पूरा भारत देश कर रहा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी सपना पूरा हुआ है। कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, जैसा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, ऐसा ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो उसको स्पेशल कानून की व्यवस्था 370 देने की आवश्यकता क्या थी? ये 70 साल बाद जो हमारे भारत के हर नागरिक के मन में जो थी कि यार उसको विशेष दर्जा काहे को, ये कांग्रेस की देन थी। ये नेहरू जी ने स्वीकार की थी 370, और ये 60-70 साल तक उनका शासन रहा, और अब इस देश की जनता ने मोदी जी को मन से और पूरे तन मन धन से प्रधानमंत्री के लिए वोट दिए, और आज ऐतिहासिक बहुमत ये अपने लोकसभा चुनाव में दिया। तो आज मोदी जी ने और लोकसभा और राज्यसभा में मोदी जी ने और अमित शाह ने या करोड़ों की धड़कन जो थी कि कश्मीर में 370 धारा समाप्त होना चाहिए, उसको आज इतिहास में आज नाग पंचमी के दिन ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ा एक भारत के सपूत ने और देश की पार्लियामेंट ने बहुत बड़ा निर्णय किया कि जो भाई भारत का अभिन्न अंग है तो विशेष धारा क्या हुआ? सारे मुस्लिम पूरे देश में हर प्राण पे रहते हैं, उनको सबको जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना मुसलमानों के अधिकार है, तो क्या ये आतंकवादियों को पनपाने के लिए 370 थी धारा? आज उसको समाप्त कर दिया। भारत एक अखंड भारत है, कश्मीर को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। आज ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक घोषणा वही ले सकता है जो भारत माता को समर्पित हो, इस देश को परम वैभव की ओर ले जाना चाहता हो, वो शख्स है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सारे राज्यसभा लोकसभा के सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था एक देश एक विधान एक संविधान और एक निशान, उसको आज पूर्ण कर दिया। जो हमारे पूर्वजों के मन में जो थी भावना, उसको आज पूर्ण कर दिया। और आज हमारे जो पूर्वज जिनको ये सपना था, आज वो खुशी की लहर में पूरे अपनी एक टकटकी से आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद और धन्यवाद देते होंगे। और आज इस देश में जिन जिन मतदाताओं ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भावना थी, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का को वोट किया, वो आज उनको सपना पूरा हो गया। और जिन्होंने और वो आप आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी पछता रहे होंगे कि ऐसे भारत माता के सपूत को वोट देने में हम चूक गए, और भविष्य में वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।